हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नवनीत जेठवानी, यू आर एनजे सर। बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज हम मोल कॉन्सेप्ट। सो मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द चैप्टर्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हिसाब किताब होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, उनके मोल्स का, मास का, ठीक है, पार्टिकल्स का, वॉल्यूम ऑफ गैसेस का, आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स की। आप जानते हो यार, एटम्स क्या होते हैं। एटम्स में प्रेजेंट होता है सेंटर में क्या न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके सराउंडिंग में क्या करते हैं, आउटर शेल में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिप्रेजेंट्स इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट जो प्रॉपर्टीज को रिटेन रखता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर आप इसके फर्दर टुकड़े कर दोगे, ठीक है, एटम के फर्दर टुकड़े कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो जाएंगे और वो क्या होंगे, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे और जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज लूज हो जाती है। तो ये सबसे छोटा पार्टिकल है जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रिटेन करता है। और एटम को बच्चों हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एटम में होता है न्यूक्लियस और होते हैं आउटर शेल, आउटर शेल। और बच्चों न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ऐसे हम स्मॉल पी स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे प्रोटॉन्स, और क्या होते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन्स। और आउटर शेल में प्रेजेंट होते हैं, आउटर शेल में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। जो मास होता है एटम का वो पूरा न्यूक्लियस में होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास बहुत कम होता है। सबसे पहले हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इनके बारे में डिस्कस कर लें। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ऐसे हम आगे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। और जो चार्ज होता है दैट इज −1.6 × 10⁻¹⁹ coulombs। ठीक है, ये चार्ज होता है। इसके कंपैरिजन में जो प्रोटॉन्स होते हैं, ऐसा माना जाता है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज इसमें होता है, और ये मानते हैं +1.6 × 10⁻¹⁹ coulombs। ठीक है, जो मास होता है प्रोटॉन का दैट इज 1.67 × 10⁻²⁷ kg, और लगभग इतना ही मास न्यूट्रॉन का भी मानते हैं दैट इज 1.67 × 10⁻²⁷ kg। लेकिन बच्चों जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी एटम को हम डिफाइन करते हैं, और एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर में अगर एटम न्यूट्रल है। और बच्चों जो भी चार्ज एटम पर आता है वो इलेक्ट्रॉन के जाने या आने की वजह से आता है, प्रोटॉन का नंबर चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो जो क्योंकि प्रोटॉन प्रेजेंट है अंदर न्यूक्लियस में, ठीक है, ये कहां प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। ठीक है, ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, तो जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उससे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और इसी कारण से जो एटम्स की जो नंबर्स हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन्स डिफाइन होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर बच्चों चेंज नहीं होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी एटम के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के लिए उसके एक एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का नंबर कहलाता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो फॉर एन एलिमेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम is known as atomic number। ठीक है, और इसको बच्चों Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक न्यूट्रल एटम है तो उसके लिए, ठीक है, तो उसके लिए एटॉमिक नंबर, या ये भी बोल सकते हैं कि Z इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
क्योंकि अगर एक न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि दोनों चार्ज क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इट इज जस्ट ए नंबर, और बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन अगर एक न्यूट्रल एटम है तो उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स का नंबर बराबर होगा, और एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर भी हो सकता है। सो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इट इज जस्ट ए नंबर, नो यूनिट, ठीक है, डायमेंशन लेस। यहां ये बोल सकते हैं इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं बताना चाहूंगा आपको कि वी कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा यार, प्रोटॉन का जो मास है दैट इज 1.67 × 10⁻²⁷ kg, और इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻³⁹ kg, और ये आता है बच्चों 1831 के आसपास। इसका मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन फुटबॉल है तो 1831 फुटबॉल का मास, इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। दैट मीन्स आप ये सोचो कि जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने भारी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स कितने हल्के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है कि जो एटम का मास है वो मोर और लेस प्रेजेंट होता है किसमें, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं और उनका मास जो है नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू व्हाट, मास ऑफ प्रोटॉन एंड ऑल्सो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बिकॉज बच्चों न्यूट्रॉन का मास भी अभी हम कैलकुलेशन पर्पज से यही मानेंगे जो प्रोटॉन का मास होता है, ठीक है। तो इसको करो कॉपी, ओके। तो बच्चों ये 1837 टाइम्स मास आ जाता है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन है जो होती है, और इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो भी मास ऑफ एटम है दैट इज मास ऑफ क्या, न्यूक्लियस। जो भी मास ऑफ एटम है वो क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है, वी कैन से इट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो मास ऑफ एटम इज एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चों इसी से एक नया टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं मास नंबर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर को बच्चों ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मास नंबर रिप्रेजेंट्स सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन एन एटम। तो प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स का जो सम है दैट रिप्रेजेंट्स मास नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कार्बन के लिए मान लो ऐसे लिया जाए कि जो मास नंबर ऑफ कार्बन इज लेट से 12, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कार्बन में है वो है 12, वो क्या है 12, ठीक है। ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है मास नंबर, और इसकी भी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट ऑफ मास नंबर, ठीक है। तो इसके बेसिस पर वी रिप्रेजेंट एन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट। तो बच्चों किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल लिया जाता है एक्स, ठीक है, एक्स रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ एटम, और यहां पर हम लिखते हैं बच्चों जेड, और यहां पर लिखते हैं ए, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं एक्स जेड ए। तो आप जानते हो जेड इज एटॉमिक नंबर एंड ए इज व्हाट, मास नंबर, ठीक है। जैसे मान लो हाइड्रोजन के लिए लिखा जाए H11, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 1, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, या हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका मास नंबर है वो 1 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने 1, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने 0। तो हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। देखते हैं अपन सेकेंड HE24, इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 2,
और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे? 4। या ये बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन हमें आना चाहिए बेसिकली इनिशियल लेवल पर। मेरे ख्याल से सबका ही आना चाहिए, मगर इनिशियल लेवल पर काफी सारे एटम्स हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन हमें आना चाहिए। जैसे लिथियम है 3-7, ठीक है। इसके बाद में देखें हम बोरॉन 5-10, ठीक है। इसके बाद देखें हम कार्बन 6-12, नाइट्रोजन 7-14, ऑक्सीजन 8-16, ठीक है, फ्लोरीन 9-19, ठीक है। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को या एटम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको ये दिया जाए लिथियम, ठीक है, 3 और 7, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 3। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 7। या इसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 4 है, ठीक है। जैसे कि मान लो कार्बन 6-12 और ऐसा दिया जाए कार्बन 6-14, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कॉमन है। इसमें 6 है और इसमें भी बच्चों कितने हैं? 6 है, ठीक है। तो अगर अपन इसमें देखें तो अंतर क्या आ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का? इसमें 6 आ जाएंगे और इसमें भी देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 आ जाएंगे। इन दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है और ऐसे इसीलिए इनको कहा जाता है आइसोटोप्स, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया था, आइसो मतलब सेम, पी मतलब प्रोटॉन। तो ऐसे पार्टिकल जिनमें सेम प्रोटॉन है मतलब सेम एटॉमिक मास है, सॉरी एटॉमिक नंबर है, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर्स है, ऐसे पार्टिकल को कहा जाता है बच्चों आइसोटोप्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि यहां पे अगर अपन देखें तो कार्बन की बात हमने कर ली, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें है 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसमें है कितने? 7। इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 है, ठीक है। इसकी बात करें फ्लोरीन की, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 9। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 10, ठीक है। तो इस तरीके से जो एटम आपको दिया उसके रिप्रेजेंटेशन से हम दो चीजें बता सकते हैं, एक एटॉमिक नंबर, एक मास नंबर। एटॉमिक नंबर से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं मास नंबर दिया हो तो। और बच्चों अगर हमारे पास ये एलिमेंट दिया हुआ है एटॉमिक फॉर्म में, मतलब कोई चार्ज नहीं है ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके बच्चों, तो ये करो कॉपी। ओके, जैसे कोई बोलता है बोरॉन के लिए, ठीक है, बोरॉन के लिए हमने बात करी, ये 10, और कोई बोलता है 5 और 11, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये आइसोटोप्स हैं। इन दोनों के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, 5 है, और इन दोनों के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके लिए 5 है और इसके लिए कितने हैं? 6 है, ठीक है। वैसे ही बेरिलियम के लिए भी हम बोल सकते हैं, बेरिलियम में मान लो कि ये दिया जाए, ठीक है, 4 और 9, तो इसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि बेरिलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 5 है, ठीक है। तो ये हुई बात एटॉमिक नंबर की और मास नंबर की। सबसे पहले हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव एटॉमिक मासेस, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मासेस। तो बच्चों हमने देखा कि जो भी मास होता है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का ही होता है और इलेक्ट्रॉन का मास होता है नेग्लिजिबल। तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आई जिसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आई और उसको बोलते हैं हम मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो एक टर्म डिफाइन किया गया 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इतने छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, मास भी इतना कम है, तो एक नई यूनिट दी गई, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, और ये बोला गया कि इट इज इक्वल टू 1 by 12 times mass of carbon 12 atom, ठीक है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया था 1 AMU, लेकिन हम अपने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो हमने पढ़ा उसके बेसिस पर सोचें अगर, तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम, अब कार्बन 12 इस तरीके का हो गया, ठीक है, इट
इसका मास क्या होगा, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, 6 times मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, प्लस 6 times मास ऑफ क्या होगा, न्यूट्रॉन, प्लस 6 times मास ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर होगा, ठीक है। बट हमने देख लिया बच्चों की ये तो नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, तो इसको हम हटा दें। इसका मतलब ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन 6 times प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 6 times। एक और अप्रोक्सीमेशन करें, मास ऑफ प्रोटॉन को और मास ऑफ न्यूट्रॉन को बराबर कर लें तो ये हो जाएगा 12 times मास ऑफ प्रोटॉन, या मैं ये बोल सकता हूं इट इज इक्वल टू 12 times 1.67 10^-27 किलोग्राम। इज इस क्लियर? लेकिन एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है 1/12 times मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि 1/12 times इंटू 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और ये हो जाएगा बच्चों कैंसल और ये बन जाएगा मास ऑफ, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 AMU इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ ए प्रोटॉन, ठीक है। एंड वॉट इज मास ऑफ ए प्रोटॉन, मास ऑफ ए प्रोटॉन इज 1.67 10^-27 किलोग्राम, या इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं 1.67 10^-24 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे इस AMU के बेसिस पर रिलेटिव एटॉमिक मासेस का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। प्लीज कॉपी दिस, ओके। तो इसको बच्चों 1 AMU को 1U भी कहते हैं, U इज व्हाट, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ठीक है, यूनिफाइड मास। अप्रोक्सीमेटली ये 1.67 मैंने ले लिया, लेकिन होता कितना है 1.661, ठीक है। तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेटली 1.67 मैंने ले लिया, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास RM, रिलेटिव एटॉमिक मास इट इज इक्वल टू मास ऑफ द एटम, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 times मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास को ऐसे डिफाइन करते हैं, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। अब जैसे बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, लेट्स से नाइट्रोजन, तो इसका मास हम क्या लेंगे, अप्रोक्सीमेटली हम मास क्या लेंगे इसका, ठीक है, 7 times मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 times मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है। तो ऐसा बोल सकता हूं मैं कि मास ऑफ एन एटम इज मास नंबर इंटू मास ऑफ ए प्रोटॉन, ऐसे बोल सकता हूं, ठीक है। जितना भी ये होगा मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ए प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, इट इज द मास ऑफ एन एटम। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम, ये हमने प्रूव किया है, अप्रोक्सीमेटली इट इज ए मास प्रोटॉन। तो बच्चों ये डिफाइन हुआ कि जो मास नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। सो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट, द मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर की जो वैल्यू है वही क्या होती है, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या इसकी कोई यूनिट होगी, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि एक रेशियो है, ठीक है। मास कैंसिल हो जा रहे हैं। कई बार क्या होता है, आप देखते हो फ्रैक्शन में एटॉमिक मासेस देखते हो आप, उसका रीजन यह है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहां पर ये 35 है, यहां पर क्या, ये 35 है, ठीक है। और दूसरा जो इसका आइसोटोप है उसका मास नंबर 37 है। तो इन दोनों का जो परसेंटेज अबंडेंस है, परसेंटेज जो एग्जिस्टेंस है, उसका एवरेज लिया जाता है और उस एवरेज से हम निकालते हैं बच्चों मास ऑफ एन एटम, ठीक है। और वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है मास नंबर भी कहलाता है। एक्चुअली आपको लगेगा कि सर मास नंबर तो एक इंटीजर क्वांटिटी है, बट हम मासेस जब देखते हैं तो इसका देखते हैं 35.5। तो 35.5 क्या है, एक्चुअल में इन दोनों के मास नंबर्स का
एवरेज, इन दोनों के मास नंबर्स का एवरेज है। तो जहां पे भी फ्रैक्शनल वैल्यूज आती हैं या मतलब इंटीजर वैल्यूज नहीं आती हैं, वहां पर वी आर टेकिंग व्हाट द एवरेज मास नंबर्स ऑफ टू एटम्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलेटिव एटॉमिक मासेस हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, या रिलेटिव एटॉमिक मास का ये ठीक है मीनिंग होता है। अब हम बात करते हैं मास नंबर की, हमने बात करी, अब हम देखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है। सो बच्चों, एटॉमिक मास का मतलब होता है, जैसे कि हमने डिफाइन किया, जैसे कि हमने किसी एलिमेंट को डिफाइन किया, यहां पर एटॉमिक नंबर, यहां पे मास नंबर। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास है हीलियम, तो एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स हैं। तो जो भी मास है प्रोटॉन न्यूट्रॉन की वजह से, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट्स मास नंबर एक्सप्रेस्ड इन व्हाट, ए एम यू। ठीक है, मास नंबर एक्सप्रेस्ड इन ए एम यू। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो इसके एक एटम का मास अपन लेते हैं, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, तो मास ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा, 2 times मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 times मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 2 times मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हटा दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 times प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम बराबर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 into मास ऑफ ए प्रोटॉन। तो एक हीलियम एटम के मास को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 4 times मास ऑफ ए प्रोटॉन, या मैं मास ऑफ ए प्रोटॉन को क्या लिख सकता हूं, 1 amu। 1 amu इज द मास ऑफ प्रोटॉन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 amu इज मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मास, एटॉमिक मास। सो मास नंबर एक्सप्रेस्ड इन amu, ठीक है, मास नंबर ही तो है ये 4, इट इज एक्सप्रेस्ड इन amu, इट रिप्रेजेंट्स एटॉमिक मास एंड इट इज मास ऑफ वन एटम। ठीक है, मास ऑफ वन एटम। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास में ये कार्बन 12 है, ठीक है, तो इसके लिए जब अपन लिखते हैं 12, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। और जब हम इसको लिखते हैं बच्चों 12 amu, तो ये रिप्रेजेंट करता है इसके वन एटम का मास, इसके वन एटम का मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब इसका मास डिवाइडेड बाय 1/12 times कार्बन 12 एटम का मास। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो ये दो पॉइंट्स मान लो कि यहां पर दिया जाए नाइट्रोजन 7 and 15, ये आइसोटोप है, ये आइसोटोप। तो इसकी अगर अपन बात करें तो इसके अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी हाउ मच, 15। और अगर अपन इसमें लिखते हैं 15 amu, तो इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, वन नाइट्रोजन एटम। जैसे अपन लिखते हैं ऑक्सीजन 8 and 16, तो इसमें अपन रिप्रेजेंट करें 16, तो ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। और जब अपन इसमें ऐसे लिखते हैं 16 amu, तो ये इसके एक एटम का मास है, एक एटम का मास है। ठीक है, तो एक एटम के मास के लिए हमें क्या करना है, मास नंबर को एमयू से रिप्रेजेंट करना है। मास नंबर रिप्रेजेंटेड इन एमयू इज द मास ऑफ वन एटम। अब हम बात करते हैं आगे जो एक्चुअल में हमें सीखना है, और वो है मोल। ठीक है, मोल क्या होता है। तो बच्चों, जैसे हम देखते हैं कि कोई बड़ी क्वांटिटीज होती हैं, तो उनके लिए कुछ नए टर्म्स हो जाते हैं। जैसे बनाना देखा तो डजन हो गया। जैसे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा मतलब मनी या करेंसी की बात होती है, तो मिलियंस या ट्रिलियंस के फॉर्म में बात होती है। लेकिन एटम्स जो होते हैं उनका नंबर इनसे भी बहुत ज्यादा होता है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक पैरामीटर है मोल। मोल इज एक्चुअली यूज टू रिप्रेजेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूज नंबर। जो मोल है वो एक्चुअल में एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और वो क्या है, 6.023 × 10^23। एक नंबर है जिसको मोल रिप्रेजेंट करता है, और इस नंबर को बोलते हैं ना 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 ना। और इसका मतलब होता है अवोगैड्रो नंबर। उल्टा पढ़ेंगे, अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर अपन बात करें वन मोल एटम की, तो ये हो जाएगा 6.023
इंटू 10^23 एटम्स, इसकी बात हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें वन मोल मॉलिक्यूल्स की जो हम आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल्स। और अगर हम बात करें वन मोल आयंस की तो ये हो जाएगा बच्चों 6.023 × 10^23 ठीक है आयंस। ठीक है, अगर हम बात करें वन मोल ह्यूमन की तो 6.023 × 10^23 ह्यूमन, वो है ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोल एक क्वांटिटी है और वो ये नंबर है। ठीक है, 6.023 × 10^23 ठीक है, यही नंबर क्यों आया, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं हीलियम एटम का। ठीक है, हीलियम एटम का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, तो इसके लिए अगर अपन बात करें व्हाट इज एटॉमिक मास, या ऐसे बोल सकता हूं बच्चों मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम एंड दिस इज हाउ मच 4 mu, यह हमने डिस्कस किया मास नंबर एक्सप्रेस्ड इन mu। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच 4 × 1.67 × 10^-27 या −24 ग्राम, ऐसे लिख सकते हैं दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम। ठीक है, फिर हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ हीलियम मास ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा 4 × 1.67 × 10^-24 × 6.023 × 10^23। इसको करो बच्चों कैलकुलेट वीडियो रोक करके। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 4 × 1.67 × 6.023 ठीक है × 10^1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 10^-1 एंड अप्रोक्सीमेटली इट कम्स आउट टू बी 4, ये पूरी वैल्यू ग्राम में है, ये आता है 4 ग्राम। ठीक है, तो ये 4 ग्राम में आ गया और 4 mu में जब हमने रिप्रेजेंट किया था तो वो एक एटम का मास था, और जब हमने एक मोल एटम का मास लिखा तो वो क्या आ गया 4 ग्राम आ गया। और इसी को बच्चों जब हम मास नंबर को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को बच्चों कहा जाता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहा जाता है? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, एंड ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट्स मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स को हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। प्लीज कॉपी दिस। ओके, तो जैसे कुछ एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हमारे पास ठीक है हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ये बहुत कॉमन है ये। ठीक है, बार बार क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ेगी। 7, 14 ऑक्सीजन, 8, 16 ठीक है, तो इनकी बात करते हैं हम। कुछ कुछ पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करे उनको समराइज करते हैं। सबसे पहली बात नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, फिर हम बोलेंगे मास नंबर, फिर हम बोलेंगे एटॉमिक मास। ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। ठीक है, और फिर हम बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, यहां तो इट इज इंडिया आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, मास नंबर 1, एटॉमिक मास 1 amu, इसका मतलब ये एक एटम का मास है। ठीक है, और जब हमने लिखा ग्राम एटॉमिक मास तो क्या लिखेंगे? 1 ग्राम मतलब एक मोल हाइड्रोजन एटम्स का मास है, मतलब 6.023 × 10^23 एटम्स अगर हाइड्रोजन के हैं तो उनका मास 1 ग्राम है, और अगर एक एटम है तो उसका मास 1 amu है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हीलियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2, मास नंबर 4, ये मास नंबर ही है, और इसके लिए हम बात करें एटॉमिक मास 4 amu और ग्राम एटॉमिक मास 4 ग्राम। ठीक है, 4 ग्राम। ऐसे देखते हैं कार्बन 12 के लिए 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर 12। मास नंबर की बच्चों कोई यूनिट
नहीं होती है, और यही होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। फ्रैक्शन में आता है, वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द एवरेज, ठीक है, आइसोटोप्स की वजह से एवरेज मास नंबर लिया जाता है। और इसमें देखें एटॉमिक मास विल बी 12 mu, एंड व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? 12 ग्राम, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि कार्बन के एक एटम का मास कितना है? कार्बन के एक एटम का मास है 12 mu, मतलब 12 टाइम्स मास ऑफ ए प्रोटॉन, मतलब 12 टाइम्स 1.66 या 1.67 10^-27 kg, ठीक है। तो बच्चों कार्बन, इसके नाइट्रोजन के लिए लिखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर ऑक्सीजन 8, ठीक है। व्हाट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, मास नंबर इज 14, इसके लिए मास नंबर 16, ठीक है। एटॉमिक मास 14 amu, इसके लिए क्या आएगा? 16 amu, amu मतलब यूनिफाइड मास, ठीक है, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन 1/12 टाइम्स मास ऑफ कार्बन 12 एटम, और ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम, और इसके लिए 16 ग्राम, ठीक है। तो बड़े कॉमन से हैं ये, धीरे धीरे और एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस, ठीक है, मास नंबर्स और एटॉमिक नंबर्स, ये सब आते जाएंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करते जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं हट रहा हूं, फ्रेम से बाहर हो रहा हूं, इसको एक बार पॉज लेकर के और कॉपी जरूर करें, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। जैसे कि बच्चों हमने देखा कि अगर मास नंबर को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है, सो मास नंबर ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं मास नंबर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ये क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, या मास नंबर एक्सप्रेस्ड इन amu, दैट इज व्हाट? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास इज मास ऑफ वन एटम, व्हाइल ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, ठीक है। तो इससे टेबल से हमें और चीजें क्लियर हुई। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि मेरे पास 64 ग्राम मेरे पास हीलियम है, 64 ग्राम मेरे पास क्या है? हीलियम है, और मैं ये चाहता हूं कि मैं इसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूं, ठीक है, तो बच्चों हमने देखा था ग्राम एटॉमिक मास हीलियम का कितना हो जाएगा? 4 ग्राम, एंड इट रिप्रेजेंट्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम। तो 1 मोल हीलियम का मास कितना है? 4 ग्राम। तो 64 ग्राम्स में कितना होगा, ठीक है, तो 64 ग्राम्स में हम रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि यार अगर 4 ग्राम में 1 मोल हीलियम है तो 64 ग्राम में कितना हो जाएगा? 1/4 × 64 मोल्स ऑफ हीलियम हो जाएगा। ये बच्चों क्या करा आपने, 64 को 4 से डिवाइड किया। व्हाट इज 64? 64 रिप्रेजेंट्स गिवन मास इन ग्राम्स, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में आगे लिखेंगे ये एन से, हम इसको टेढ़ा एन बनाते हैं, मोल्स, या इसको ऐसे लिखेंगे डब्ल्यू इन ग्राम, डब्ल्यू बोले तो क्या, गिवन मास इन ग्राम, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है बच्चों ग्राम एटॉमिक मास है। क्या है डिनोमिनेटर में? ग्राम एटॉमिक मास है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। सो ग्राम एटॉमिक मास, इस तरीके से हमें अगर मास दिया जाए, सो वी कैन कैलकुलेट व्हाट? वी कैन कैलकुलेट द मोल्स, ठीक है, मोल्स ऑफ एटम्स। सो व्हाट वी आर डूइंग इज कन्वर्जन ऑफ मास इंटू मोल्स, कन्वर्जन ऑफ मास इंटू मोल्स फॉर एटम्स। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम करते हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। किसी भी एटम के लिए जिसका आपको मास नंबर पता हो,
उसके लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है इसी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं कि जो हमारे पास 64 ग्राम हीलियम है, इसके लिए हमने कैलकुलेट कर लिए, क्या कैलकुलेट कर लिए, मोल्स कैलकुलेट कर लिए। कैसे कैलकुलेट कर लिए, गिवन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट ग्राम सॉरी डिवाइडेड बाय व्हाट ग्राम एटॉमिक मास। तो कितना आ गया, 64 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर से आ जाएगा, तो हो जाएगा 16 मोल्स। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि 64 ग्राम हीलियम में हाउ मेनी एटम्स विल बी प्रेजेंट, कितने एटम्स होंगे इसके अंदर, ठीक है, ये बताना है। तो बच्चों, मोल एक ऐसी चीज है जिससे हम दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको ये पता है कि वन मोल ऑफ हीलियम है 6.023 × 10⁻²³ एटम्स होंगे। मतलब इसको अपन ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं Na, ठीक है, अवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होंगे। तो बच्चों 16 मोल्स में कितने हो जाएंगे, 16 मोल्स में हो जाएंगे 16 × Na एटम्स। बड़ी मजेदार चीज है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितने एटम्स, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हमारे पास 16 मोल्स हैं तो 16 Na एटम्स हो जाएंगे। सो वी कैन कन्वर्ट मोल्स टू नंबर ऑफ क्या एटम्स, वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट मोल्स टू नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। बड़ी मजेदार बात है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो मोल्स हैं किसी एटम के लिए उसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, वी कैन कैलकुलेट इट एज मास इन ग्राम अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, या इसको हम नंबर ऑफ एटम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय व्हाट अवोगैड्रो नंबर। जैसे हमने कैलकुलेट किए थे गिवन नंबर ऑफ एटम्स, कैसे, मोल्स इनटू अवोगैड्रो नंबर। देखो यहां पे, तो हमने कैलकुलेट किए थे 16 मोल्स में कितने एटम्स होंगे, 16 Na, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास एक ही बोल सकते हैं हम कि 6.023 × 10⁻²³ एटम्स है, तो कितने मोल है, वन मोल है। तो अगर हमारे पास एक से एटम्स है तो कितना हो जाएगा, 1 / 6.023 × 10⁻²³ × x, ठीक है, इंटू एक्स। सो ये क्या है, एक्स गिवन नंबर ऑफ एटम्स, ये क्या है, एक्स गिवन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट अवोगैड्रो नंबर। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो एक साथ अगर पता चल जाए, तो अगर हमारे पास मास गिवन है, ठीक है, एलिमेंट का, एटम का, तो हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स, और मोल्स से कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन नंबर ऑफ एटम्स। उल्टा भी चल सकते हैं, अगर एटम्स दे रखे हैं तो अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स, और मोल्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास, ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, एक क्वेश्चन हम करते हैं हमारे इस पर 12 माइक्रोग्राम, ठीक है, क्वेश्चन इज 12 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन हैज डैश मोल्स एंड डैश नंबर ऑफ एटम्स। होता ना छोटे बच्चे जो पेंसिल लीड होती है ग्रेफाइट की, तो उसने क्या करा, पेंसिल चलाई तो इतना मास उसका कम हो गया, पेंसिल का मतलब वो मास जो था कार्बन का वो पेपर पे चिपक गया, ठीक है, तभी तो वो बनेगा निशान। तो आपको बताना है उसमें कितने मोल्स हैं कार्बन 12 के और कितने एटम्स हैं, जल्दी करो इसको।
ओके तो जैसे 1 माइक्रोग्राम की बात हुई तो माइक्रो का मतलब होता है, मैं ऐसे बोल सकता हूं मास ऑफ कार्बन 12 एटम जो दे रखा है, यहां ऐसे लिखते हैं इसको W, ठीक है, कितना हो जाएगा 12 × 10⁻⁶ ग्राम, ठीक है, ये हो जाएगा मास। अब इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम कैंसिल, तो ये मोल्स हो जाएंगे 10⁻⁶, ठीक है। और अगर हम एटम्स की बात करें तो एटम्स कैन बी कैलकुलेटेड एज जितने भी मोल्स हैं मल्टीप्लाइड विथ वॉट 6.023 × 10⁻²³, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको क्या कर दें 6.023 × 10⁻²³, अप्रॉक्सीमेटली इसको 6 ले लें तो हो जाएगा 6 × 10⁻¹७ एटम्स। बच्चों एक छोटी सी पेंसिल की लकीर बनाई, उसमें मास कितना कम हुआ बिल्कुल नेग्लिजिबल, लेकिन उसमें एटम्स कितने कम हुए, बहुत सारे एटम्स कार्बन के कम होते हैं, इसीलिए मोल की जरूरत पड़ी। इतनी बड़ी क्वांटिटी है, एक पेंसिल लीड से जरा सा निशान बनाया तो इतने ज्यादा एटम्स उसके साथ जो हमने स्टेन बनाया उसके साथ चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो एटम्स का नंबर इतना बड़ा है कि हमें मोल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब बच्चों थोड़ी सी और इसमें बात करते हैं, जैसे हमारे पास 1.4 ग्राम N3- है, ठीक है, N को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 714, ठीक है, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ये सब कैलकुलेट करने हैं, मोल्स ये भी आपको कैलकुलेट करने हैं, और नंबर ऑफ आयंस भी कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो 1.4 ग्राम ऑफ N3- हमारे पास अगर है तो उसके लिए ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, हम ये देखें कि इसके अंदर N714 में एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन है 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी है 7, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चों मैंने बोला था कि अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करके आएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ एटम्स, क्या कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ एटम्स, और मोल्स ऑफ एटम्स हो जाएंगे 1.4 / 14, दैट मीन्स 0.1, ये तो हो जाएंगे बच्चों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, नाइट्रोजन आयन, ठीक है, ये हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से मास पे कोई फर्क खास पड़ता नहीं है, तो हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ आयंस, तो इसीलिए जो आयंस है उनको मैं एटम मान के कर रहा हूं, और जितने एटम्स हैं, ठीक है, इसको मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूं, या अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻²³ कर दूं, या इसका आंसर आ जाएगा 6 × 10⁻²² एटम्स हो जाएंगे, ठीक है, एटम्स हो जाएंगे, ये आ गया। अब इसके बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो जितने भी एटम्स हैं मल्टीप्लाइड विथ 7, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं शॉर्ट में 0.1 Na, क्योंकि बच्चों ये Na है, अब वो एटम नंबर है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा 7 × 0.1 Na, यहां ये हो जाएगा 0.7 Na। सिमिलरली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, 0.7 Na, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 × 0.1 Na, दैट मींस इट विल बी अवोगैड्रो नंबर Na, ओके, प्लीज कॉपी, ओके। तो ये एटम्स की बात हुई, अब हम बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो बच्चों हम बात करते हैं किसकी, यूरिया की, ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा N2, ठीक है, H4N2H4CO। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के,
तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे 2N एटम्स या 4H एटम्स प्लस 1C एटम प्लस 1O एटम, ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका मास लिखना चाहता हूं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास तो हो जाएगा 2 × 2, ठीक है, मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 14 प्लस 4 × मास नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 प्लस 1 × मास नंबर ऑफ कार्बन दैट इज 12 प्लस 1 × 16 दैट इज मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन, बट इट विल बी टेकन इन AMU। किस में लिया जाएगा बच्चों? AMU में लिया जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया, और ये कितना हो जाएगा? 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं बच्चों कैलकुलेट, ठीक है, आप लोग करें कैलकुलेट, ये हो जाएगा 28 प्लस 32 60 आ जाएगा। तो बच्चों 60 AMU क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मोल यूरिया, सॉरी एक मॉलिक्यूल यूरिया का मास, एक मॉलिक्यूल यूरिया का मास, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हम बात करते हैं यूरिया के एक मॉलिक्यूल की, सॉरी एक मोल की, यूरिया के एक मोल की, तो एक मोल में क्या मास होगा? सेम ही होगा। एक मोल में क्या प्रेजेंट होंगे? 2N मोल्स प्लस 4 हाइड्रोजन एटम मोल्स प्लस 1 कार्बन एटम मोल्स प्लस 1 O एटम मोल्स। तो बच्चों कैलकुलेशन तो वही रहेगी और इसके अंदर भी आएगा 60, बट दिस टाइम इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन व्हाट? ग्राम्स। तो इसके लिए दोनों जो टर्म्स हैं, ठीक है, वो यूजफुल है। इस टर्म को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? इट इज द मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, जितने भी एटम्स हैं उन सबके मासेस का सम, ठीक है। सो इट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन व्हाट? AMU, AMU में लिखा जाएगा। और जो हमने यहां लिखा है दैट इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एंड दिस इज मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन व्हाट? ग्राम्स, ठीक है। तो मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स, ठीक है। तो जैसा हमने कैलकुलेशन किया था किसके लिए, जैसा हमने कैलकुलेशन किया था एटम्स के लिए, वैसे ही हम यहां पर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर बात मॉलिक्यूल की है, बात मॉलिक्यूल की है, तो मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं, माइंड यू दीज आर द मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स नॉट एटम्स, दे कैन बी कैलकुलेटेड एज मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट? ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या फिर हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय व्हाट? अवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ध्यान रहे मॉलिक्यूल में कई सारे एटम्स हैं, उन सारे एटम्स के मास नंबर्स का सम जब एक्सप्रेस किया जाता है AMU में तो वो एक मॉलिक्यूल का मास है, और जब एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम में तो वो एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास है, ठीक है। तो काफी सिंपल है और हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास दिया हुआ है, 3.6 किलोग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। अब जानते हो बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये ग्लूकोज का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट
मोल्स ऑफ ग्लूकोज आप कर सकते हो, मोल्स ऑफ ग्लूकोज इसके लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और बच्चों इसके लिए बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अलग अलग सबके, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, हम इसके लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या करेंगे कैलकुलेट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के लिए क्या करें, 6 टाइम्स, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 12 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन या 6 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें, ठीक है, मास नंबर्स को। सो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये कितना हो जाएगा, 72 प्लस 12 प्लस बच्चों 96, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 108 प्लस दिस 180 आ जाएगा ये। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 180, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करने हैं, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या कैलकुलेट करने हैं, ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, 180। सो टोटल मास कितना दिया है इसका, सॉरी 3.6, तो इसको करो मल्टीप्लाई 1000 से, ये ग्राम में आ गया, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, 180 है, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 360 इंटू 10 बाय 180, ये ज्यादा आसान लग रहा है मुझे, ठीक है, इससे 20 ये तो आ जाएगा आपका 220 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 20 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितने होंगे, 20 इंटू एन ए, ठीक है, अवोगैड्रो नंबर। अब बच्चों बढ़िया मजेदार बात यह कि नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें, तो एक मॉलिक्यूल में 6 एटम्स कार्बन के हैं, तो एक मोल में 6 मोल कार्बन एटम्स होंगे, तो अगर अपने पास में टोटल 20 एन ए मॉलिक्यूल्स हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी इक्वल टू 20 एन ए, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इंटू 6, ठीक है, इंटू 6 दैट इज 120 एन ए। सिमिलरली हाइड्रोजन के हो जाएंगे 12 टाइम्स नंबर ऑफ, ओके, 12 टाइम्स नंबर ऑफ एटम, सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस, तो ये हो जाएंगे बच्चों 240 Na, ठीक है। और सिमिलरली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, तो बच्चों इसके लिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे, ठीक है, तो मैं यहीं लिख देता हूं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी 20 Na into 6, दैट इज 120 Na, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब बात होती है गैसेस की तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या यूज होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम ये मानते हैं जब तक कुछ नहीं दिया है तो हम ये मानते हैं कि जो गैस है वो क्या है, आइडियल गैस है। और आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। यहां पर P रिप्रेजेंट करता है प्रेशर, क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, P प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, प्रेशर ऑफ गैस। तो बच्चों इसकी कई सारी यूनिट्स होती हैं, कई सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, 1 atm, ठीक है, atm इज 1 यूनिट, दैट इज 1.013 बार, ठीक है, 1.013 बार, ओके, और हम ये बोल सकते हैं 1 atm is equals to 76 centimeters of mercury, या 760 millimeters of mercury, यहां हम लिख सकते हैं 760 टॉर, और आप इसको इंटर कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। यहां आपने 1 atm को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 × 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहां ऐसे भी लिख सकते हैं 10^5 पास्कल, ठीक है। तो बच्चों ये तो हुई प्रेशर की बात, वॉल्यूम जो इसमें लिया जाता है वो लिया जाता है किसमें, लीटर में। सो 1 मीटर क्यूब इज 1 डेसीमीटर क्यूब, ये यूनिट हो सकती है,
या इट इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 decimeter cube इज इक्वल्स टू 1000 liters, ठीक है, 1000 liters, या हम ये भी लिख सकते हैं 1 liter इज 1000 centimeter cube, ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1000 milliliters. तो कभी जरूरत पड़े तो आप इसको आपस में इंटरकन्वर्ट कर सकते हो. जो टेम्परेचर लिया जाता है वो लिया जाता है केल्विन में. केल्विन टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस वॉट 273, ठीक है. और जो एन है बच्चों वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. और एक बात बता दूं, आर कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 0.0821 liter एटमोस्फियर पर मोल पर केल्विन, ठीक है, पर मोल पर केल्विन. तो इसके बेसिस पर जब गैस दिया जाए कोई आपको, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कंडीशंस दे दी जाए, तो उसके लिए हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से. और मोल्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, मोल्स हम कैलकुलेट करेंगे पीवी अपॉन आरटी से. इसलिए मैंने आपको ये यूनिट इंटरकन्वर्ट करना बताया. मान लो कि आपको यहां पर जो आर की वैल्यू लेनी है वो लेनी है 0.0821 liter एटमोस्फियर पर मोल पर केल्विन, और आपको मीटर क्यूब में वॉल्यूम दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब में, मिलीलीटर में दे रखा है, तो कन्वर्ट करना किस में, लीटर में. प्रेशर आपका सेंटीमीटर्स ऑफ मर्करी में दे रखा है या पास्कल में दे रखा है, तो उसको कन्वर्ट करना किस में, एटीएम में. और उसके बाद टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसको कन्वर्ट करना केल्विन में. और इसको यहां पर अगर अपन प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है. ओके, प्लीज कॉपी दिस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है और वो है एसटीपी, ठीक है, एसटीपी कंडीशन. एसटीपी कंडीशन, इसके कुछ ओल्ड कन्वेंशंस हैं और जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बने हुए हैं वो ओल्ड कन्वेंशंस पर ही बने हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत पहले से बने हुए हैं, ठीक है. तो ओल्ड कन्वेंशन ये कहता है एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन द प्रेशर इज टेकन एज 1 atm एंड टेम्परेचर इज टेकन एज व्हाट, 0 degree Celsius और 273 केल्विन इज टेकन एज प्रेशर, ठीक है. तो हम इससे बच्चों जब कैलकुलेट करते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं तो आर की वैल्यू आपको पता ही है एन, ठीक है. तो अगर हम 1 mole गैस की बात करते हैं तो यहां से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं एनआरटी अपॉन पी. और जब हम ये वैल्यू रखते हैं, ठीक है, 0.0821 इंटू 273 अपॉन प्रेशर, तो यह आती है 22.4 liters. क्या आती है बच्चों, 22.4 liters, ठीक है. इसको एसटीपी या एनटीपी कंडीशन भी कहा जाता है. व्हाट इज एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी और एनटीपी कंडीशन. बट दिस इज ओल्ड कन्वेंशन, ठीक है. आजकल क्या माना जाता है, एसटीपी या एनटीपी, दैट इज द न्यू कन्वेंशन. प्रेशर इज टेकन एज 1 bar, प्रेशर इज टेकन एज 1 bar, ठीक है. प्रेशर इज टेकन एज 1 bar. क्या बड़ा है बच्चों, एटीएम बड़ा है कि बार बड़ा है, ठीक है, एटीएम बड़ा है. वैसे भी समझ रहे हो आप लोग, बिना एटीएम के तो बार छोड़ो इस बात को. तो 1 bar इज टेकन एज वॉट, एंड टेम्परेचर इज नॉट फिक्स्ड, बट फॉर मोल कंसेप्ट वी विल यूज इट एज 0 degree Celsius और 273 केल्विन. दिस इज द न्यू कन्वेंशन, दिस इज द न्यू कन्वेंशन. और आप जानते हो 1 atm इज 1.013 bar, तो उसकी वैल्यूज को जब हम यहां पे रखते हैं, सो दिस वॉल्यूम ऑफ 1 mole of gas ये आता है बच्चों 22.7 liters आता है, ठीक है. तो जब आपको क्वेश्चन दिया जाए और अगर 1 atm और ये दिया जाए तो यूज इट, ठीक है. और अगर आपको ये दिया जाए तो आप मान लीजिए कि ये 22.7 liters वॉल्यूम होगा 1 mole गैस का. लेकिन ऑप्शन से भी देखना, बहुत सारे क्वेश्चन पुराने कन्वेंशन पर बेस्ड हैं और पुराने कन्वेंशन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसमें 1 mole गैस का, आइडियल गैस का वॉल्यूम 22.4 liters ही आता है, ठीक है. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों बातों का रखना है अपने को ध्यान और क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, ठीक है. यूजुअली ये सही है,
ठीक है, मगर ऑप्शन में ये यूज हो रहा है 11.2 लीटर आ रहा है या हमारा आंसर सेट नहीं हो रहा है तो यूज इट 22.4 लीटर, इट इज ओल्ड कन्वेंशन, प्लीज कॉपी। ओके बच्चों, एक लास्ट टर्म और है जो हमें देखना है एंड दैट इज वेपर डेंसिटी। दैट इज व्हाट? वेपर डेंसिटी। सो यूजुअली वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज द डेंसिटीज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? हाइड्रोजन। ठीक है, सो वेपर डेंसिटी बहुत सिंपल शब्दों में अगर अपन कहें, वेपर डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज मॉलिकुलर मास ऑफ द गैस अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन एंड इट कम्स आउट टू बी मॉलिकुलर मास ऑफ गैस अपॉन टू। ठीक है, बट थोड़ा डेफिनेशन से अगर अपन चले तो वेपर डेंसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट आइडेंटिकल, ठीक है, एट आइडेंटिकल क्या? आइडेंटिकल कंडीशंस। अब हमने बच्चों देखा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी और एन हमने कैलकुलेट किया था कैसे? मास इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास, ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, मास इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन वी इंटू आर टी अपॉन कैपिटल एम, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो जो बच्चों ये जो W अपॉन V है ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू आर टी अपॉन एम, या डेंसिटी को कैसे लिख सकता हूं? पीएम बाय आर टी। इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के मास और चार्ज हमने कंपेयर किए, इसके बेसिस पे मैंने मास ऑफ एटम डिफाइन किया, एटॉमिक नंबर डिफाइन किया, मास ऑफ वन एटम डिफाइन किया, ठीक है, मास नंबर डिफाइन किया, ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन किया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एटम। उसके बाद हमने कई सारे एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन किए, मास प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास हमने डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया एटॉमिक मास, दैट इज मास ऑफ वन एटम एंड इट इज एक्सप्रेस इन एमयू। फिर हमने डिफाइन किया ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, हमने डिफाइन किया मोल, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ठीक है, इट इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मोल, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, फिर हमने डिफाइन किया बच्चों ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, और फिर हमने कन्वर्जन्स किए, ठीक है, मोल से एटम्स के और मोल से मास के, ठीक है, इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमने मॉलिक्यूल की बात की और मॉलिक्यूल के लिए हमने डिफाइन किया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एंड हमने मॉलिक्यूलर मास भी डिफाइन किया, मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन एम यू एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन ग्राम्स। कुछ मॉलिक्यूल्स की हमने बातचीत करी, फिर हमने बच्चों पढ़ाई करी आइडियल गैस इक्वेशन की, और आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे यूज करना है मैंने आप लोगों को बता दिया। ध्यान रखना, ये लीटर में, ये एटीएम में लेना है, कन्वर्जन भूल नहीं जाना रे, ठीक है, और ये सेंटीमीटर ऑफ मर्करी टॉर वगैरह में दिया हो तो कन्वर्ट करना भूल नहीं जाना रे, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो भूल नहीं जाना रे। ओके, इसके बाद बच्चों एसटीपी कंडीशन ओल्ड और न्यू दोनों मैंने बता दी, और लास्ट हमने बच्चों डिस्कस किया वेपर डेंसिटी। अब हम करेंगे इस पर प्रॉब्लम्स। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मोल कंसेप्ट। इसमें देखो सेशन वन हम देखते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मोल, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेशंस ऑन मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस की, वो हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज, तो इसमें मास इन ग्राम 0.1 मोल ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सुक्रोज जो है इसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है। इसका मोलर मास हो जाएगा 12 × 12 कार्बन का प्लस 22 × 1 प्लस 16 × 11, ठीक है, तो ये वैल्यू आती है 342, ठीक है। ग्लूकोज की और सुक्रोज की तो वैल्यू जरूर से जरूर याद रखना, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, मास निकालना है, तो मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास दैट इज 342, मोल्स की वैल्यू है 0.1, तो मास इन ग्राम हम कैलकुलेट कर सकते हैं 342 × 0.1 दैट इज 34.2। वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं वो बच्चों, इसमें ये कुछ वैल्यूज हैं, जो बहुत सारी वैल्यूज तो मैंने थ्योरी लेक्चर में कवर कर ली, ठीक है, मास की, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास की, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, मैंने बताया था एवरेज के बारे में हम बात करेंगे, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, और ये वैल्यू जरूर लिख लेना, इसकी जरूरत पड़ने वाली है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। क्रोमियम 52, मैग्नीज 55, फेरस 56, जिंक 65, ब्रोमीन 80, आयोडीन 127, सिल्वर 108, ठीक है, प्लैटिनम 195, मर्करी 200, पीबी लेड, ठीक है, 208 एंड कैडमियम 112.4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं फ्रेम से बाहर हो रहा हूं, इसको आप थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन वैल्यूज को रखिए, क्वेश्चन में जरूरत पड़ने वाली है। अब हम ध्यान रखते हैं इसमें मोल्स ऑफ ZnNO3 होल ट्वाइस ए कंपाउंड, ठीक है, आयनिक कंपाउंड इन 142.05 ग्राम्स ऑफ दिस सब्सटेंस, हमें मोल्स निकालने हैं और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी मोलर मास की, ठीक है, मोलर मास ऑफ ZnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, होल ट्वाइस। तो जिंक के लिए अभी हमने डिस्कस किया था, इट इज 65, ठीक है, आप यूज कर सकते हो, धीरे धीरे क्या होती है प्रैक्टिस होती जाती है, ऐसा नहीं कि हम एटॉमिक मास याद करने बैठ जाएं, हम क्वेश्चंस करें और क्वेश्चंस करने से क्या होती है, जो वैल्यूज हैं वो याद होती जाती हैं। सो 14 है नाइट्रोजन का, 16 × 3 दैट इज 48 है ऑक्सीजन का इंटू 2, और ये जो वैल्यू है ये मैंने कैलकुलेट की थी, ये आती है 189, ठीक है, 189 ये वैल्यू आती है, मैंने कैलकुलेट किया था। अब ये मोलर मास हो गया, अब इससे हम कैलकुलेट क्या करेंगे, मोल्स कैलकुलेट करेंगे और मोल्स आ जाएंगे ग्राम, सॉरी मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 189 एंड इट कम्स आउट टू बी 0.75 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ये बी पार्ट हो गया, देन पार्ट हम देखते हैं सी, दिस इज अगेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मिक एसिड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसमें बच्चों मोलर मास निकालने की भी जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि वन मोल में 6 × 10^23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 10^6 मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, 10^-6 इंटू 6.023 × 10^23, या इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 6 भी ले सकते हैं और जो वैल्यू आएगी 6 × 10^17, ठीक है, 17, ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, इंटू Na, व्हाट इज Na, अवोगैड्रो नंबर, सो Na × 10^-6 कैन बी ऑल्सो बी द आंसर, ऑप्शन के हिसाब से चलना है, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें एटम्स बताने, किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को, आयनिक कंपाउंड को, AlNO3 होल थ्राइस को अगर अपन देखें तो इसके एक एल्यूमिनियम के एक मॉलिक्यूल में, ठीक है, एक तो एल्यूमिनियम एटम है, 3 नाइट्रोजन एटम्स हैं और 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है, 9 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो अगर इसका एक मोल लेते हैं तो 9, ठीक है, 90 मत कर दियो, ठीक है, 9 ऑक्सीजन एटम्स, ओके, तो अगर इसका एक मोल लेते हैं तो 9 मोल ऑक्सीजन होंगे, तो 2 × 10^-3 में नंबर ऑफ ओ एटम्स हो जाएंगे 2 × 10^-3 इंटू 9 इंटू वॉट Na, ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी 1.8 × 10^-2 Na, ठीक है, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं Na की वैल्यू 6 × 10^23 लेकर के एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, CDS की बात हो रही है, ठीक है, कैडमियम की, मैंने बोला 112, ठीक है, तो ये मैंने बोला आप धीरे धीरे याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा, 112.4, ठीक है, 112.4, ये इससे सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लें, ठीक है, मोलर मास ऑफ कैडमियम इज CDS इज 112.4 प्लस क्या आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 144.4 ग्राम्स आ जाएगा। तो ये एक मोल का क्या हो गया, मास हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है मास इन ग्राम 2 × 10^-3 मोल्स के, तो मास ऑफ CDS आ जाएगा 2 × 10^-3 इंटू 144.4 ग्राम्स, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है 0.8882 × 10^-3 ग्राम, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों बढ़ते हैं आगे, इसमें देखो मोलर मास ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन 0.00105 मोल हैज, इट इज 0.52, इसका मतलब इसका मोलर मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो इतने मोल का मास ये है 0.05
0.00105 मोल का मास कितना है? 0.525 ग्राम है, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 1 मोल का मास हो जाएगा 0.525 अपॉन 0.00105, ठीक है? या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0.525 अपॉन 0.105 इंटू 10^2 क्या -2, ये हो जाएगा 5, ऊपर चला जाएगा तो 500 आ जाएगा, ठीक है? बहुत भारी है यार, ठीक है? एक मोल का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है? 500 ग्राम। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मास इन ग्राम ऑफ 3×10^24 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पिरिन, ठीक है? एस्पिरिन आप जानते हो, एस्पिरिन जो है इट इज, ठीक है, इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? इट इज ऑल्सो यूज एज पेन किलर, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है? तो ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है? इट इज यूज्ड एज पेन किलर। इसका जो मोलर मास है वो कितना है? ये हो जाएगा 12×9+8×1+16×4। ये वैल्यू मैंने बच्चों कैलकुलेट की थी, इसका मोलर मास ग्लूकोज के मोलर मास के बराबर आता है, ठीक है? एक बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि मास इन ग्राम ऑफ 3×10^21 मॉलिक्यूल्स ऑफ एस्पिरिन की बात हो रही है। तो अगर हमारे पास ये मास है, दैट मीन्स इट इज द मास ऑफ 6 × 10^23 मॉलिक्यूल्स का ये मास है। मैंने बोला था व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट रिप्रेजेंट्स द मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास है 180 ग्राम। सो 3×10^21 मॉलिक्यूल्स का मास होगा 180 ÷ 6×10^23 × 3×10^21। सिंपल रेशियो से अपन कर सकते हैं और ये जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों 330, ठीक है? तो ये हो जाएगा 90×10^-2, सो दिस इज 0.9 ग्राम, ठीक है? वैसे ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, ठीक है? क्योंकि हमने अवोगैड्रो नंबर को 6×10^23 लिया है, बट ऑप्शन के हिसाब से अगर चलें, अगर ऑप्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो इट विल बी गुड, ठीक है? ये कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों, एच क्वेश्चन, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट इफ मास ऑफ वन एटम इज दिस। बच्चों एक एटम का मास दे रखा है 12×10^24, तो एक मास ऑफ वन एटम क्या होता है? मास ऑफ वन एटम, इट इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक मास, इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU, बट यहां पर बच्चों ये दे रखा है किसमें? ग्राम में दे रखा है, किसमें दे रखा है? ग्राम में। तो मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ वन एटम इंटू अवोगैड्रो नंबर। ऐसे कर सकते हैं, इंटू अवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एक मोल पार्टिकल का मास होता है ग्राम मॉलिकुलर मास, ठीक है? सो मोलर मास भी हम बोलेंगे इसको। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 72×10^-1। अब देखो इसके अंदर जो कैलकुलेशन की भी उसके हिसाब से ये आ रहा है 7.2, आंसर 7.22 दे रखा है। तो यहां पर आप जिसे ऑप्शन में ऐसे ऑप्शन दे रखे हो, तो यू यूज द वैल्यू 6.023×10^23। 99% केसेस में इस कैलकुलेशन से आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट ऑप्शन क्लोज हो तो फिर आप इसकी वैल्यू 6.023 ले लीजिए, ठीक है? बच्चों बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फेट आयन, ठीक है? क्रोमियम आयन्स के साथ ये मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। तो यहां पर एक चीज तो है, Cr2SO4 होल थ्राइस के एक आयनिक कंपाउंड, अगर एक मोल अगर अपन लेते हैं तो उसमें 2 मोल्स, अगर इसका 1 मोल लेते हैं तो इसमें 2 मोल क्या रहेगा? Cr+3, और क्या रहेगा? 3 मोल्स क्या रहेंगे? 3 मोल्स क्या रहेंगे? SO4 3-। तो जितने भी मोल्स इसके कैलकुलेट होंगे, उसका क्या हो जाएगा बच्चों? उसका 3 टाइम्स आ जाएगा मोल्स ऑफ SO4, ठीक है? 3-। तो इसके अगर अपन मोल्स कैलकुलेट करें किसके? Cr2SO4 3 के, ठीक है? तो ये आ जाएंगे 19.6 क्रोमियम का, ठीक है? मैंने अभी बताया भी था आपको क्रोमियम का एटॉमिक मास, मैंने बोला था इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में आप लिख लीजिए, ठीक है? तो क्रोमियम के लिए जो एटॉमिक मास है 52 है, ठीक है? तो यह आ जाएगा बच्चों 52, तो यह आ जाएगा, ठीक है? तो 52 × 2
प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 ये ऑक्सीजन के लिए हो गया मल्टीप्लाइड विथ 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 3, इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। मैंने इसको कैलकुलेट किया था और ये जो वैल्यू आ रही है 392, ठीक है, 392 आ रही है। सो 52 इंटू 2 प्लस 3 टाइम्स सल्फर का एटॉमिक मास, 32 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, 16 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेट की थी, ये जो वैल्यू आ रही 392 आ रही है, 392 आ रही है। ये आ गए बच्चों मोल्स, और जितने ये मोल्स आएंगे, ठीक है, जितने ये मोल्स आएंगे उसमें नंबर ऑफ मोल्स, हमें नंबर ऑफ आयंस निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO4 2-, ठीक है, ये आ जाएंगे 3 इंटू दिस 19.6 इंटू 392। ये आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। जो वैल्यू आती है दिस कम्स आउट टू बी 0.15, और अगर हमें आयंस निकालने हैं तो नंबर ऑफ आयंस अगर हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ आयंस ऑफ SO4 2-, तो वो आ जाएंगे 0.15 इंटू व्हाट अवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कैलकुलेशन। अब बच्चों नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें 11.2 जो जनरली जो क्वेश्चंस फ्रेम्ड हैं एसटीपी एनटीपी कंडीशंस पर, वो पुराने क्वेश्चंस हैं और उसमें ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर्स दिए हुए हैं, ऑप्शन के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। तो ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से 22.4 लीटर्स ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस का जो मोल होता है वो कितना होता है 1 मोल, ठीक है। तो अगर हमें मोल्स निकालने 11.2 लीटर्स के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हो जाएंगे 11.2 अपॉन 22.4, दैट इज 0.5, ठीक है। तो ये आंसर बच्चों आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द ये सारे क्वेश्चंस आपके पास हैं बच्चों, और आपको अगर ऐसा लगता है कि सर के साथ ही सॉल्व करना है तो वीडियो को फिर पॉज करके करें, या फिर इन क्वेश्चंस को 1, 2, 3 फॉर्म में क्या है आप लोग अटेम्प्ट करें और फिर उसके बाद में मतलब इस वीडियो पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस पर आए। वैसे बच्चों आप हम मुझसे भी ज़्यादा समझदार हो तो मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी या इतना कुछ बताने की जरूरत है, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब इज दिस मच मिलीलीटर्स एट STP, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। अब हमें पता है कि 1.12 इंटू 10^-7 दिस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 22.4 लीटर नहीं, अब यहां मिलीलीटर दे रखा है तो लीटर को कन्वर्ट कर लो आप मिलीलीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करके, सो दिस विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस भी आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है, इंटू 6 × 10^23। ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू ये पावर्स में अंतर है, बाकी 3.01 आ रहा है तो यहां 6 ले लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसको आप कट कर दोगे तो हाफ हो जाएगा 0.5, और ये हो जाएगा 0.5 × 10^-10। तो यह आ जाएगा बच्चों 0.5 × 10^-10 इंटू 6 × 10^23। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, तो अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम, एक और जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब अपन कट करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5/10, तो यह आ जाएगा 10^-11, ठीक है, 10^-11, तो 10^ क्या आ जाएगा 11, और इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 3 × 10^12, यह आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको मोल कॉन्सेप्ट में मजा आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर जो आपने फिजिकल केमिस्ट्री तो मैं बहुत पहले से पढ़ाता आ रहा हूं, ये अलग बात है कि मुझे टाइम कम मिलता है, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स हर साल पढ़ाते हैं तो टाइम कम मिलता है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाने का, लेकिन यस मतलब मुझे लगता है कि ये भी पढ़ाना चाहिए, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो हम करते हैं डिस्कस आगे। वेपर डेंसिटी की बात दे रखी है, इस क्वेश्चन को करो आप लोग, ठीक है। वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 11.2 वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.4 ग्राम्स ऑफ दिस गैस एट STP विल बी, ठीक है। तो बच्चों जहां पे भी वेपर डेंसिटी दी है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द गैस। सो मोलर मास ऑफ द गैस इज 2 times व्हाट वेपर डेंसिटी, 2 times वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी दी हुई है 11.2, तो इसका जो मोलर मास आ जाएगा वो आ जाएगा 22.4 ग्राम, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है,
2.4 ग्राम अगर गैस दिए तो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना है एसटीबी पर, तो पहले निकाल लो मोल्स ऑफ द गैस। मोल्स ऑफ द गैस आ जाएंगे मास इन ग्राम अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास 22.4। ठीक है, इससे नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन तो सही जा रही है और 2.4 आ गया। अब हमारे पास में ये पूछा है कि वॉल्यूम कितना होगा एसटीबी पर, तो वॉल्यूम एसटीबी पर जो गैस का होगा, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, हम अब वही अप्रोक्सीमेशन जो पहले चल रहा था वही ले रहे हैं, 22.4 इंटू 2.4 अपॉन 22.4। अच्छा, इसीलिए ये 11.2 दिया था ताकि कैंसिल हो जाए और इसका आंसर आ जाए 2.4 लीटर्स। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, डी आंसर इसका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसे क्वेश्चन मुझे बड़े पसंद आते हैं क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक ऑप्शन के लिए हमें मोल्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है और कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं और कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये भी हमें करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हमें निकालने हैं मोल्स। मोल्स किसके निकालने हैं, CO2 के। तो ये कितना आ जाएगा, 4.4 अपॉन 44.01 मोल। देन बी पार्ट क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मास 3.4, मोलर मास 17, आंसर अगेन व्हाट, 0.2। ठीक है, 0.2। देन इसकी बात करते हैं अपन मीथेन की। मीथेन की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन 1.6 अपॉन 16, 0.1, डी ऑप्शन। SO2 की बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 विल बी 3.2 अपॉन 32 प्लस 32 64, 3.2 अपॉन 64। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 0.05। जिसके मोल्स कम हैं उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम होगा। इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, 0.1 इंटू Na, 0.1 इंटू Na, 0.2 इंटू Na, और इसके कितने होंगे, 0.005 इंटू Na, लीस्ट इसका होगा। ठीक है, मोस्ट अमोनिया का होगा, अमोनिया का। ठीक है, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। क्वेश्चन अगर यह आ जाता है एटम्स किसके ज्यादा हैं, तो फिर क्वेश्चन अलग हो जाता। इसको मल्टीप्लाई करते 4 से, इसको 5 से, ठीक है, इसको 4 से और इसको 3 से करते। ठीक है, तो भी बच्चों यही फिसड्डी आता, इसके मोल्स भी कम है, एटम्स भी कम है। ठीक है, यही फिसड्डी आता। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5। ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको तो आप थोड़ा सा पॉज लेकर के अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूं। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देर आर टू एलिमेंट्स ए एंड बी, देर आर टू एलिमेंट्स ए एंड बी, और मान लिया कि मोलर मास ए का Ma है, मोलर मास बी का Mb है। ठीक है, तो अब हमारे पास B2A3 और B2A2 मॉलिक्यूल हैं और 0.05 मोल ऑफ B2A3 का मास इतना है। ठीक है, मास इतना है, तो 9 ग्राम मास है, इसके मोल कितने हैं, 0.05। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स इंटू ग्राम मॉलिकुलर मास। अरे बेटा, आप तो आप जानते ही हो, मास अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास। ठीक है, मोल्स, तो मोल्स इंटू ग्राम मॉलिकुलर मास से हम मास निकाल सकते हैं। 9 ग्राम मास दे रखा है, इट इज इक्वल टू 0.05 इंटू 2 टाइम्स मोलर मास ऑफ बी प्लस 3 टाइम्स मोलर मास ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 0.10 मोल्स ऑफ B2 है। ठीक है, तो उसका मास कितना है, 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम विल बी इक्वल टू 0.1 इंटू क्या है, ये B2A है, सो 2 टाइम्स मोलर मास ऑफ बी प्लस मोलर मास ऑफ ए। ये दो इक्वेशन हमें मिल जाएंगे। कैसे लिखा, मास इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू ग्राम मॉलिकुलर मास। इसका ग्राम मॉलिकुलर मास 2 Mb इंटू 3 Ma है और इसका मोलर मास 2 Mb प्लस Ma है। ठीक है, 2 Mb प्लस Ma है और इसका 2 Mb प्लस 3 Ma है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं अपन। सो 2 Mb प्लस 3 Ma विल बी इक्वल टू, ठीक है, हाउ मच, 9 डिवाइडेड बाय 0.05। ठीक है, तो ये हो जाएगा 900 बाय 5, ये आ जाएगा 180। क्या आ जाएगा, 180। ठीक है, 2 Mb प्लस मा विल बी इक्वल टू 100। ये एक इक्वेशन हो गई, एक दूसरी इक्वेशन हो गई, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 2 Ma विल बी इक्वल टू 80, तो मा विल बी इक्वल टू 40। इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, ठीक है, इस वैल्यू को यहां रख दीजिए
और ये कैलकुलेट कर लेना, 2 MB इज इक्वल टू 60, 100 MB विल बी इक्वल टू 30, एक 40, एक 30, आंसर सी आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 ग्राम्स ऑफ अमोनिया। देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोल्स, मोल्स कितने हो जाएगा 4.25 अपॉन 17, ठीक है ऐसे आ जाएगा। अब जितने भी मोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ये बहुत इजी हो गया यार, ये 1/4 हो गया ये, ठीक है 1/4 हो गया, इससे हम मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। सो मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू अवोगैड्रो नंबर, तो जैसे कि 3.01 देख रहा हूं सब में आ रहा है, सो बेटर है कि बच्चों एक काम करें, क्योंकि नन ऑफ दीज भी यार चांस मत लो, ठीक है 6.023 इंटू 10^23 कर दें और 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.505 इंटू 10^23 आंसर आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, वेपर डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज दिस। वेपर डेंसिटी जब भी मेरे दिमाग में आता है क्वेश्चन पढ़ता हूं, जब लंबे लंबे क्वेश्चन करने होते हैं ना तो आप ज्यादा टाइम नहीं होता बार बार पढ़ने का, डायरेक्टली लिखो 2 × 8.5, कोई भी बता देगा 17 है, जरूरत नहीं थी स्टेटमेंट की लेकिन दिया है तो यूज करेंगे, यूज करेंगे। 85 ग्राम्स ऑफ अमोनिया एट NTP ऑक्यूपाई, अब बोले तो इसका निकालो मोल्स, मोल्स आ जाएंगे 85 डिवाइडेड बाय 17, 5 आ जाएगा, ठीक है 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करें बोलो NTP पे वॉल्यूम, ये जब पुरानी कैलकुलेशन के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कैन बी कैलकुलेटेड एज 22.4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 5, नंबर ऑफ मोल्स 5 ये आ जाएगी वैल्यू 2 और 10 12 ठीक है कैरी ऑफ 1 ये आ जाएगी 112 ठीक है सॉरी 112 लीटर्स, ठीक है 112 लीटर्स, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंस हाईएस्ट नंबर, आ गया फिर से मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाएं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO विल बी 2.8 अपॉन 28, ठीक है 12 + 16 28 0.1, बी ऑप्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाय 16, ठीक है बच्चों ये आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, ठीक है 0.2 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया विल बी 1.7 अपॉन 17, 0.1 आ जाएगा, ठीक है। देन फोर्थ ऑप्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू 3.2 डिवाइडेड बाय 32 + 32, 64, 3.2 डिवाइडेड बाय 64, सो दिस इज 0.05। डी में फंसाते हैं क्या, सबसे कम मॉलिक्यूल, इसके मोल सबसे कम है, इसके मॉलिक्यूल सबसे कम होंगे, पूछा क्या है, ओ आई एम सॉरी हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट बच्चों बी में आ रहे हैं, ठीक है 0.2 हाईएस्ट आ रहे हैं, आई एम सॉरी लोएस्ट का आंसर डी है, हाईएस्ट का आंसर बी है, ठीक है मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजनेट NTP इज इक्वल टू, बच्चों वही NTP की कहानी है, ये हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज हाउ मच, 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4, मैंने वॉल्यूम लिया लीटर में, एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4, डिवाइड किया मुझे मोल्स मिला, मोल्स कितना मिला 1/4 मोल्स मिला, ठीक है आप जानते हो 22.4 लीटर अगर होगा तो 1 मोल, तो 5.6 अगर लीटर होगा तो डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर 1/4 मोल। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज 27, मुझे तो याद आ गया एल्यूमिनियम है, ठीक है हालांकि देखो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है क्वेश्चन में कभी कभी एटॉमिक मासेस दे भी दिए जाते हैं बट बहुत कॉमन जो है उनके याद रखना ही बढ़िया है, और इसकी वैलेंसी भी एल्यूमिनियम की +3 है, कंफर्मेशन भी आ रहा है, ठीक है। द वेपर डेंसिटी ऑफ द वोलाटाइल क्लोराइड विल बी, अब जैसे इसका क्लोराइड बनाना है तो Cl- यूज होगा, इसका कितना है +3 चार्ज है, इसको बैलेंस करने के लिए 3Cl- लेंगे तो ये क्या आ जाएगा AlCl3 ये आ जाएगा, ठीक है जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा AlCl3, ठीक है। अब इसके लिए वेपर डेंसिटी निकालनी, तो पहले क्या निकालें, मोलर मास ऑफ AlCl3, मोलर मास कितना आएगा 27 प्लस 35.5 इंटू 3, ठीक है ये वैल्यू आप कैलकुलेट करना। अगर हमें वेपर डेंसिटी निकालनी है, वेपर डेंसिटी निकालनी है तो यह आ जाएगा 27 प्लस 35.5 इंटू 3
डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। तो बहुत साधारण सी कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों, सॉरी ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ए गैस इज फाउंड टू हैव द फॉर्मूला दिस COx, ठीक है, इस वेपर डेंसिटी इज 70। अब जैसे x इसमें अननोन दे दिया, तो हम मोलर मास निकालें इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, मोलर मास इन टर्म्स ऑफ x क्या आ जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ COx, ये आ जाएगा x इन टू 12 प्लस 16, कितना आ जाएगा 28x, ठीक है। अब वेपर डेंसिटी निकालें, जो दे रखा मोलर मास उसके हिसाब से, सो वेपर डेंसिटी ऑफ CO, सॉरी इसको ऐसे लिख रहा हूं VD, वेपर डेंसिटी ऑफ COx विल बी इक्वल टू 28x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये वेपर डेंसिटी आ जाएगी, और ये वैल्यू हमको दे रखी कितना 70, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 14 और x की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है, इसका मतलब कंपाउंड क्या है CO5, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 0.45 ग्राम्स ऑफ वाटर। सबसे पहले तो अपन वाटर में चेक कर लें क्या क्या है। वाटर में एक हाइड्रोजन है H11, इसके अंदर बच्चों न्यूट्रॉन जीरो है, ठीक है, न्यूट्रॉन जीरो है, मैंने बता ही दिया था आपको थ्योरी में, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, जीरो न्यूट्रॉन है। ऑक्सीजन 816, इसके अंदर भी बच्चों न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कितना है 8 है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई हैवी वाटर वगैरह कुछ दिया नहीं है, जो है सिंपल, ठीक है, हमें एटॉमिक मासेस, ठीक है, यहां पर लेने हैं। इसके बेसिस पर हमें समझ में आ गया कि इसके वन मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 8 न्यूट्रॉन है। 8 क्या है बच्चों, न्यूट्रॉन है, ठीक है, 8 न्यूट्रॉन है। अब क्या करना है, अज्यूमिंग दैट ऑल हाइड्रोजन आइटम्स आर इसमें दे दिया, ऑल ऑक्सीजन आइटम्स आर 16 दे दिया, अजम्पशन भी दे दिया, सब दे दिया, तो एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन है, एक मोल में 8 Na न्यूट्रॉन्स होंगे। सबसे पहले इसका हम क्या निकालें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालें। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 0.45 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, मोलर मास, ये तो हो जाएगा बच्चों नंबर ऑफ मोल्स। इसके बेसिस पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी इक्वल टू 0.45 इंटू 18, ये तो है नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल में 8 मोल न्यूट्रॉन है, ठीक है, एक मोल में 8 मोल न्यूट्रॉन है, और टोटल की अगर अपन बात करें तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद व्हाट 6 × 10^23 फॉर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, या फिर हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन्स है, मोल्स ऑफ H2O इंटू 8 इंटू अवोगैड्रो नंबर, एंड दैट कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा, ये 3, ये 0.15 इंटू 8, ठीक है, इंटू 10^23, ठीक है, फिर ये जाएगा 120, तो 120 मतलब 1.2 आ गया बेटा आंसर 10^23, ओके, ऑल गुड। तो इस तरीके से हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, कोई बोलता है यार इसके अंदर प्रोटॉन निकाल लें तो प्रोटॉन निकाल सकते थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोलता है इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे, ऐसे कर सकते हैं, ओके। तो ये तो बच्चों आज के लेक्चर का प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।